राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नया साल आने वाला है, तो क्यों ना नए साल पे अपना खुद का घर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, हरियाशियाना बिल्डर्स आपके लिए लेके आया द्वारका मोड़ जैसी लोकेशन पे 2 BHK का फ्लैट, जो कि 90 गज में बनके तैयार हुआ है विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ। बहुत ही लग्जरियस फ्लैट है, बहुत ही स्पेसियस फ्लैट है दोस्तों। टेरिस बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो टेरिस बहुत ही शानदार बना हुआ है। गार्डन काफी अच्छा बना हुआ है टेरिस का, यहाँ पे इजीली आप पार्टी कर सकते हो। तो क्यों ना नए साल की पार्टी यहीं पे की जाए। आप यहाँ पे नए साल की पार्टी ही नहीं और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरे फ्लैट का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोग अपने टेरिस पे खड़े हैं, आप देख सकते हो टेरिस बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार बनाया हुआ है दोस्तों। मैं दिखाना चाहूंगा टेरिस के ऊपर काफी अच्छा काम किया गया है, क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया, काफी खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। 150-200 बंदे की पार्टी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने काम कितना अच्छा किया गया है, कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ग्रास का काम किया गया, आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पे लगाई गई है, काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे ग्रास लगाई गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टाइल्स का काम काफी अच्छा किया गया है, वुडन का डिजाइन दिया गया, आप देख सकते हो वुडन का डिजाइन यहाँ पे दिया गया है। टाइल्स का काम काफी अच्छा किया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं। इसी के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गमले लटकाए हुए हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं हमारे लॉबी में। आप देख सकते हो काफी अच्छी और काफी स्पेसियस यहाँ पे लॉबी है। यहाँ पे आपको मेन एंट्रेंस दिखाई दे रहा, मेरे पीछे ही आप लोग देख सकते हो मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर कर सकते हो। मेरे पीछे ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेनाइट का काम किया गया है, यहाँ पे बार काउंटर बनाया हुआ है, ये देखिए दोस्तों काफी अच्छा और काफी स्पेसियस यहाँ पे बार काउंटर बनाया गया है। इसी के आगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे गमले, 3 गमले लगाए हुए हैं, देख सकते हो आप लोग, एक साइकिल के ऊपर 3 गमले लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसी के बाद मैं दिखाना चाहूंगा पूरे टेरिस के ऊपर यहाँ पे इस टाइप के टेबल्स बनाए हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल्स बनाए गए, यहाँ पे आप इजीली कुछ भी रख के खा सकते हैं, पी सकते हैं, यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। इस साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे वुडन शेड बनाया हुआ है, वुडन शेड है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप लोग, काफी अच्छा वुडन शेड है, यहाँ पे इजीली काफी लोग बैठ सकते हैं, काफी स्पेस है, बिल्कुल बीच में यहाँ पे टेबल लगाया हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया गया है पूरा अंदर फ्लोर पे भी, और जहाँ पे हम लोगों के लिए बैठने के लिए जगह दी है वहां पे भी आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया गया है। लैंप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने हैंगिंग लाइट्स लगाई हुई है, यहाँ पे 5 हैंगिंग लाइट्स लगाई हुई है अंदर। ऊपर हम लोगों ने यहाँ
पे आपको फैन लगा के दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन लगा हुआ है। उसी के बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे हमने आपको बैठने के लिए और भी स्पेस दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बैठने के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग थ्री साइड पे स्पेस है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। यहाँ पे भी ग्रेनाइट का काम किया गया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, काफी स्लीपी नहीं रहेगा ये। तो मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हम पार्टीज वगैरह होती हैं, खाना वाना खाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए दोस्तों हाथ धोने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं अपने आके। यहाँ पे वॉश बेसिन हमने आपको लगा के दिया है, काफी अच्छा वॉश बेसिन और डिजाइन काफी अच्छा है इस वॉश बेसिन का। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया है, सेम उसी तरीके से उस साइड पे भी इसी को बनाया गया है, आपको दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे गमले काफी अच्छे तरीके से, काफी ब्यूटीफुली यहाँ पे गमले लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चार गमले लगाए हुए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। चारों गमले के अंदर जो पौधे हैं, अलग अलग तरीके के पौधे हैं गमलों के अंदर। अब ये देखिए दोस्तों इस साइड पे भी बिल्कुल जिस तरीके से उस साइड पे बनाया गया था उसी तरीके से इस साइड पे भी बनाया हुआ है। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे भी स्पेस बहुत ज्यादा है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी टेबल्स बनाई गई हैं। दो टेबल्स हैं, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे, दो टेबल्स बनाई हुई हैं बैठने के लिए। यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है। मेरे साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो यहीं पे वुडन शेड दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस है, ये देखिए बैठ सकते हो यहाँ पे आप लोग, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। बीच में टेबल लगाया हुआ है, हैंगिंग लाइट्स लगाई हुई हैं। हमारे जो टेरिस है इसको काफी अच्छा लुक दे रहा है, एक होटल वाला फील आ रहा है, एक रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा है। इजीली आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पार्टीज बाहर ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं, आप अपने टेरिस पे ही अपनी पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बहुत ही इजीली आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मैं आप लोगों को ग्रिल का काम दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ग्रिल हम लोगों ने लगाई हुई है, काफी अच्छी और काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे ग्रिल लगाई है। इसी के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लास का काम किया हुआ है। वॉल की अगर बात करूं, वॉल के ऊपर भी हम लोगों ने टाइल्स का काफी अच्छा काम किया हुआ है। टाइल्स के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो लाइट्स लगाई हुई है, ये काफी अच्छा लुक देने वाली है हमारे टेरिस को, काफी अच्छी लगने वाली है हमारी टेरिस इन लाइट्स की वजह से। रात के टाइम यहाँ पे काफी अच्छा नजारा मिलने वाला है, काफी अच्छा लगने वाला है ये टेरिस। उसी के साथ मैं दिखाना चाहूंगा हम लोगों ने पूरे फ्लैट में आपको सीसीटीवी कैमरास लगवा के दिए हैं, जो कि ऑलरेडी वर्किंग है। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसी के साथ आप देख सकते हो उसी के नीचे यहाँ पे एक और सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने आपको लगा के दिया हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों। उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे हम लोगों ने जो ऊपर शेड का वुडन का काम किया गया है, यहाँ पे लॉबी में जो वुडन का काम किया गया है शेड का, ये काफी अच्छा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लीव्स का काम भी काफी अच्छा किया गया है, काफी प्यारा लग रहा है। उसी के साथ अब चलते हैं हम लोग अपने फ्लैट की तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं अभी लॉबी में खड़ा हूँ, लॉबी में मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे लिफ्ट का काम चल रहा है, यहाँ पे हम आपको लिफ्ट लगा के देंगे। उसी के साथ आप मेरे दोनों साइड पे देख सकते हो हाफ टाइल्स का काम हमने आपको काम करके दिया है, हाफ वॉल टाइल्स का काम करके दिया है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए ग्रासिंग का काम हमने यहाँ पे जो ये करके दिया आपको, काफी अच्छा लग रहा है। इसी के बिल्कुल ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे आपको फैंसी लाइट्स लगा के दिए हैं, जो कि काफी अच्छी लग रही है। येलो कलर की ये फैंसी लाइट है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और उसी के साथ मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूंगा, मेरे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी काफी शानदार हम लोगों ने फॉल सीलिंग का काम किया गया है। यहाँ पे देख रहे हो लाइट्स का काम, डिजाइन का काम अगर हम बात करें बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। उसी के साइड में हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉट लाइट्स लगाई हुई है, छोटी छोटी स्पॉट लाइट्स लगाई हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम पूरी बिल्डिंग्स में आपको सीसीटीवी कैमरा लगा के देंगे, तो हम लोगों ने लॉबी में भी आप मेरे पीछे देख सकते हो लॉबी में भी आपको सीसीटीवी कैमरा लगा के दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। फ्लैट में अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे हम लोगों ने काफी अच्छी क्वालिटी का डोर आपको लगा के दिया है। यहाँ पे हमने आयरन गेट लगा के दिया है आपको और एक वुडन का गेट लगा के दिया है। हमने यहाँ पे आपको दो डोर्स लगा के दिए हैं। उसी के साथ हम लोग अंदर चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर, हम लोग अपने ड्रॉइंग रूम में खड़े हैं। देख सकते हो काफी स्पेसियस हमारा ड्रॉइंग रूम है। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हो ये आपका मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे आप लोग एंटर करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे आपको कर्टेंस लगा के दिए, व्हाइट एंड ब्राउन कलर के ये कर्टेंस हैं, ये हमने आपको लगा के दिए, काफी अच्छे लग रहे हैं। इंटरकॉम फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे आपको इंटरकॉम फैसिलिटी दे रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटरकॉम आपको लगा के दिया है। एल टाइप में हम लोग आपको, मैं आपको बताना चाहूंगा एल टाइप में हम लोग आपको यहाँ पे वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं। वॉलपेपर काफी अच्छा लग रहा है, ब्राउन कलर का वॉलपेपर है, काफी शानदार लग रहा है। देख सकते हो स्पेस काफी अच्छा है यहाँ पे। वॉलपेपर के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे वुडन का काम करके दिया है, वुडन एंड ग्लास का जो
काम करके दिया है। यहाँ पे आप अपने शोपीस ऊपर रख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लुक दे रहा है हमारे ड्रॉइंग रूम को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने 10 सीटर सोफा लगाया है, यहाँ पे बीच में टेबल लगाया है। वो लगाने के बाद भी हम लोगों को काफी ज्यादा स्पेस मिल गया है, काफी अच्छा स्पेस मिल गया है। बिल्कुल सोफों के बिल्कुल सामने यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को टीवी पैनल हम आपको लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग किंग साइज का टीवी अपना लगा सकते हो। टीवी पैनल के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने आपको स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने शोपीस रख सकते हो, शोपीस रखने के लिए हमने स्पेस दिया है। इवन हमने आपको शोपीस यहाँ पे लगा के दिए, आप देख सकते हो दोस्तों शोपीस आपको लगा के दिए। यहाँ पे छोटी छोटी सी स्पॉटलाइट हम लोगों ने दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी सी स्पॉटलाइट दी हुई है हम लोगों ने। नीचे हमने स्टोरेज दिया हुआ है आप लोगों को, देख सकते हो यहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई है, यहाँ पे स्टोरेज में देख सकते हो आप लाइट्स लगी हुई है। और एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, जो ये वुडन का काम किया गया है इसी के पीछे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है पीछे, ये देख सकते हो ग्रीन कलर की आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पे हम लोगों ने लगाई हुई है। इसी के ऊपर स्प्लिट एसी का कनेक्शन भी हम लोगों ने आपको यहाँ पे लगा के दिया है, आप अपना स्प्लिट एसी यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर बात करें फॉल सीलिंग की तो आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का काफी बेहतरीन डिजाइन यहाँ पे बनाया हुआ है, काफी अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है फॉल सीलिंग का। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने आपको झूमर लगा के दिया है जिसके अंदर डिफरेंट लाइट्स हैं, अलग अलग लाइट्स हैं, रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, हर तरह की इसके अंदर लाइट्स हैं, ये चेंज होती रहती है, काफी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ अगर मैं लाइट्स की बात कर रहा हूं तो हम लोगों ने यहाँ पे फैंसी लाइट्स भी आपको लगा के दी है वॉल पे। ये देखिए आप लोगों को येलो कलर की फैंसी लाइट्स हम लोगों ने आपको लगा के दी है जो की काफी अच्छी लग रही है, काफी अच्छा दिखा रहा है हमारे ड्रॉइंग रूम को। हमारा ड्रॉइंग रूम तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही स्पेसियस है और बहुत ही लग्जरियस लग रहा है। उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये बीच में जो पार्टीशन की तरह हम लोगों ने यहाँ पे वुडन का काम किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग शोपीस लगा सकते हैं दोस्तों। शोपीस हमने कुछ यहाँ पे आपको लगा के भी दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हो शोपीस हमने यहाँ पे लगाए भी हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। ड्रॉइंग रूम के अंदर एक तरह से पार्टीशन यहाँ पे दे दिया है हमने, ऊपर दोनों दो फैंस आपको यहाँ पे लगा के दिए हैं। पार्टीशन के इस साइड पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपना डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है, हम लोगों ने डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है, 4 सीटर्स का यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, बीच में टेबल लगा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसी के बिल्कुल पीछे यहीं पे आप देख सकते हो वॉलपेपर लगा हुआ है, वॉलपेपर काफी अच्छा लग रहा है ब्राउन कलर का। उसी के साथ यहाँ पे फैंसी लाइट आप देख सकते हो, येलो कलर की फैंसी लाइट है, काफी अच्छी लग रही है। मेरे बिल्कुल साइड में आप देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी, देखिए दोस्तों कितनी अच्छी यहाँ पे वॉच लगा के दे रहे हैं हम लोग आपको, काफी अच्छी लग रही है यहाँ पे वॉच। उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे ड्रॉइंग रूम के साथ जो अटैच कॉमन वॉशरूम है। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को ड्रॉइंग रूम के साथ अटैच कॉमन वॉशरूम दिखाता हूं। तो हम लोग चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। अगर कॉमन वॉशरूम की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो कॉमन वॉशरूम काफी अच्छा लग रहा है, काफी शानदार हमारा कॉमन वॉशरूम भी है। यहाँ पे हम लोगों ने आपको ये देखिए मिरर कितना अच्छा, कितने अच्छे डिजाइन का हमने आपको मिरर लगा के दिया है, वॉश बेसिन लगा के दिया है, काफी अच्छी क्वालिटी का हम लोगों ने यहाँ पे वॉश बेसिन लगा के दिया, देख सकते हो आप व्हाइट कलर का यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है, काफी अच्छा स्पेस है इसके अंदर वॉश बेसिन के अंदर। बिल्कुल वॉश बेसिन के नीचे आप देख सकते हो हम लोगों ने स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन के बिल्कुल नीचे स्टोरेज है, आप देख सकते हो स्टोरेज दिया हुआ है। हम लोगों ने वॉल टू वॉल टाइल्स का काम किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ब्राउन कलर की टाइल्स लगाई हुई है, काफी अच्छी लग रही है, बहुत ही शानदार लग रही है, जैसे होटलों में होता है ना बिल्कुल वैसा लुक दे रहा है। ये देखिए हमने बीच में पार्टीशन किया हुआ है, ग्लास लगाया हुआ है बीच में, आप देख सकते हो यहाँ पे गीजर हम आपको लगा के दे रहे हैं, गीजर यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको लगा के दे रहे हैं। और अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए हमने आपको शाफर लगा के दिया हुआ है, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए शाफर है, ये देख सकते हो आप लोग शावर कितना अच्छा लग रहा है, शावर हमने लगा के दिया है यहाँ पे आप, ये देखिए काफी शानदार लग रहा है, काफी स्पेसियस है, स्पेस काफी अच्छा है। और दोस्तों अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो हमने क्वालिटी के साथ यहाँ पे भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, यहाँ पे जो भी टैब्स लगे हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट हमने यूज किए काफी अच्छी क्वालिटी के और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों काफी अच्छा स्पेस था इसके अंदर। फॉल सीलिंग की अगर बात करें तो फॉल सीलिंग भी बहुत ही अच्छी लगाई गई है, काफी शानदार लग रही है, काफी अच्छा लुक दे रही है, होटल का लुक दे रहा है, हमारा जो वॉशरूम है हमको पूरा फील दे रहा है होटल वाला। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने किचन की तरफ। उसी के साथ मैं आप लोगों को एक
और चीज बताना चाहूंगा, इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, पूरी बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग हो रखी है, काफी अच्छी क्वालिटी की सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने यूज की हुई है। आइए दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने किचन के अंदर। किचन के अंदर आने से पहले ही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हैंगिंग लाइट लगाई हुई है जो कि काफी अच्छी लग रही है। देख सकते हो आप लोग, येलो कलर की हैंगिंग लाइट है, बहुत ही अच्छा लुक दे रही है हमारे किचन के एंट्रेंस को। बिल्कुल इसी के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस दिया हुआ है आप लोगों को शोपीस लगाने के लिए। ये देखिए वुडन का काम, व्हाइट और ब्राउन कलर में जो वुडन का काम किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे आप अपने शोपीस लगा सकते हो, नीचे भी काफी अच्छा स्पेस है शोपीस लगाने के लिए। अब हम लोग आ चुके हैं अपने किचन के अंदर। किचन के अंदर आप देख सकते हो स्पेस काफी अच्छा है, स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं है किचन के अंदर भी। यहाँ पे हमने ग्रेनाइट का काम करवा के दिया, देख सकते हो आप लोग, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट का काम हमने करवा के दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने हाफ वॉल टाइल्स का काम किया हुआ है, देख सकते हो काफी अच्छी ब्राउन कलर की यहाँ पे टाइल्स लगाई हुई है जो की काफी डिसेंट लुक दे रही है हमारे किचन को। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे वेंटिलेशन की अगर, तो वेंटिलेशन आप देख सकते हो, वेंटिलेशन के लिए भी हमने यहाँ पे आपको विंडो लगा के दिए। वेंटिलेशन जो किचन के अंदर वेंटिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी के साथ साथ मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको चिमनी लगा के दे रहे हैं। और अगर बात करें स्टोरेज की, तो आपको स्टोरेज की भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, स्टोरेज काफी अच्छा है, काफी ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज आप देख सकते हो, स्टोरेज काफी अच्छा है। यहाँ पे नीचे दिखाना चाहूंगा हमारा काफी अच्छा स्टोरेज है, ये देख सकते हो आप लोग दोस्तों, स्टोरेज काफी अच्छा है, स्टोरेज बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और मैं बताना चाहूंगा जो वुडन का काम है बहुत ही अच्छा किया गया है यहाँ पे, ग्रे एंड व्हाइट कलर का वुडन का काम किया गया है। इसी के ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी स्पॉटलाइट्स लगाई गई हैं जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। आप ऊपर देखोगे दोस्तों यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स हम लोगों ने जो लगाई हुई है, ये काफी अच्छा लग रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है, काफी खूबसूरत लुक दे रहा है हमारे यहाँ पे जो हैंगिंग लाइट्स है, बहुत ही अच्छी लग रही है। फॉल सीलिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, फॉल सीलिंग आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे दो वॉश बेसिन आपको लगा के दिए, काफी अच्छी क्वालिटी का वॉश बेसिन है, यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छा है, टैप्स हमने आपको यहाँ पे लगा के दिए, ब्रांडेड कंपनी के हम लोगों ने आपको यहाँ पे टैप्स लगा के दिए, आप देख सकते हो जैगवार के टैप्स हम लोगों ने यहाँ पे आपको लगा के दिए हुए हैं। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे आरओ की, तो यहाँ पे हमने आपको आरओ का कनेक्शन, आरओ लगा के दे रहे हैं हम लोग आपको दोस्तों, यहाँ पे आरओ भी लगा के दिया जाएगा आपको। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपना फ्लोरिंग का काम, यहाँ पे फ्लोरिंग का काम भी बहुत ही अच्छा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट कलर की जो टाइल्स का काम किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि बालकनी से अटैच्ड है। दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर, आप देख सकते हो हमारा बेडरूम भी काफी ज्यादा स्पेसियस है, काफी लग्जीरियस हमारा बेडरूम लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको किंग साइज का बेड हमने लगा के दिया है, उसके बाद भी काफी अच्छा स्पेस है, दोनों साइड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, दोनों साइड पे यहाँ पे स्पेस है। उसी के साइड में आप यहाँ देख सकते हो हम लोगों ने आपको अलमीरा लगा के दिए, स्लाइडिंग डोर वाली अलमीरा है, ये देखिए दोस्तों स्लाइडिंग डोर की हमने यहाँ पे अलमीरा आपको लगा के दिए, जिसके अंदर आपको स्टोरेज बहुत ज्यादा मिलने वाला है, स्टोरेज की कमी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगी। ऊपर देख सकते हो ऊपर भी यहाँ पे स्टोरेज है, स्टोरेज की कमी यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पेस, बहुत ही ज्यादा स्टोरेज मिल रहा है। आप मेरे बिल्कुल साइड में यहाँ पे देख सकते हो वॉलपेपर जो हमने आपको लगा के दिया है, 3D कस्टमाइज वॉलपेपर है, काफी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो वॉलपेपर काफी अच्छे डिजाइन का बनाया हुआ है, यहाँ पे जो फ्लावर का डिजाइन दिया हुआ है वॉलपेपर के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा वेंटिलेशन की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे विंडो है और आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने आपको कर्टेंस लगा के दिए, ये देखिए दोस्तों कर्टेंस हमने आपको यहाँ पे लगा के दिए। वेंटिलेशन की मैं बात कर रहा था, वेंटिलेशन की आपको दिक्कत नहीं होगी, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो है, इसी के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपना विंडो एसी फिट कर सकते हो, विंडो एसी फिट करने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा फॉल सीलिंग, दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी फॉल सीलिंग की गई है, काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है फॉल सीलिंग का, ये देखिए दोस्तों काफी अच्छे डिजाइन की फॉल सीलिंग है। फैन हम आपको बहुत ही अच्छा लगा के दे रहे हैं, काफी फैंसी सा फैन है ये। और मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, हमारी जो वॉल है बेड के पीछे ही जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर हमने आपको लाइट लगा के दिए दोस्तों, ये ऊपर आप देख सकते हो हमने आपको लाइट लगा के दिए, काफी अच्छी लग रही है, येलो कलर की ये लाइट है, बहुत ही अच्छा लुक दे रही है हमारे बेडरूम को, काफी अच्छा लग रहा है हमारा बेडरूम, आप देख सकते हो कि काफी शानदार हमारा बेडरूम लग रहा है। उसी के साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा जो ये बेडरूम है ये बालकनी के साथ अटैच्ड है, तो हम लोग चलते हैं अपने बालकनी की तरफ।
और बालकनी हमारा काफी अच्छा रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों हमारी काफी अच्छी बालकनी है, यहाँ पे भी हम लोगों ने वॉल टू वॉल टाइल्स का काम किया गया, आप देख सकते हो वॉल टू वॉल टाइल्स का काम किया है, काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे टाइल्स लगाई हुई है, आप देख सकते हो ब्राउन कलर की ये जो टाइल्स है काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे टाइल्स लगाई गई है। हमने यहाँ पे आपको नीचे ग्रास का काम करके दिया, यहाँ पे भी आपको आर्टिफिशियल ग्रास लगा के दिए, नीचे फ्लोरिंग में अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल ग्रास है। यहाँ पे हम लोगों ने आपको चेयर्स लगा के दिए दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल और चेयर्स हैं, ये काफी अच्छे लग रहे हैं हमारे बालकनी के अंदर, आप देख सकते हो। इसी के पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो ये चेयर्स हटा के यहाँ पे हम लोग अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे टैप भी दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन इजिली प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरे साइड में बिल्कुल आप देख रहे हो ग्रिल, दोस्तों ग्रिल का काम काफी अच्छा किया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे ग्रिल्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिल्स के साथ ये ग्लास लगाया हुआ है, काफी मोटा काफी अच्छा काम किया गया, ग्लास का भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्लास के ऊपर भी डिजाइन जो बनाया हुआ है आप देख सकते हो डिजाइन बहुत अच्छा बनाया हुआ है ग्लास के ऊपर भी। और अगर बात करूं फॉल सीलिंग की तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का अच्छा काम किया गया है, फॉल सीलिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाइट में ये लाइट बहुत अच्छी लगेगी, ये लाइट आप जो देख रहे हो फैंसी लाइट जो हमने लगाई हुई है ये नाइट में बहुत अच्छा लुक देगी हमारे बालकनी को, बहुत अच्छी लगेगी। उसी के साथ आपको आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे हम लोगों ने आपको क्लोथ सुखाने के लिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने आपको एक रॉड लगा के दिए जहाँ पे आप अपने कपड़े सुखा सकते हो, यहाँ पे आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहने वाली है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत ही लग्जीरियस फ्लैट है, किसी भी चीज की कमी नहीं है यहाँ पे, किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होने वाली है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे जो कि है हमारा मास्टर बेडरूम, हम लोग अपने मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, आप देख सकते हो काफी शानदार है हमारा ये वाला मास्टर बेडरूम भी, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लुक दे रखा है हमारे मास्टर बेडरूम को। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ये, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे वुडन का जो काम किया गया है बेड के बिल्कुल साइड में, वुडन का काम बहुत अच्छा किया गया है, व्हाइट और ब्राउन कलर का जो काम किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने आपको स्टोरेज दिया हुआ है, बेड के ऊपर स्टोरेज है देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने किंग साइज का बेड लगाया है, उसके बाद भी हम लोगों को इतना स्पेस मिला है, दोनों साइड पे हमें काफी अच्छा स्पेस मिला है किंग साइज का बेड लगाने के बाद भी। बेड के बिल्कुल पीछे हम लोग आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने आपको एक फ्रेम लगा के दिया है, काफी अच्छा लग रहा है ये फ्रेम भी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आपको ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है, ड्रेसिंग टेबल लगा के दिया है, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के नीचे ही आप देख सकते हो स्टोरेज है, काफी अच्छा स्टोरेज है ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी। ड्रेसिंग टेबल में ये मैं दिखाना चाहूंगा मिरर के पीछे भी यहाँ पे काफी अच्छा स्टोरेज है, यहाँ पे आप काफी सारी चीजें हैं इजीली रख सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इन चीजों को बनाया है। इसी के साथ मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे वॉल पे वुडन का काम किया गया, स्टोरेज यहाँ पे भी स्टोरेज की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। इसी के नीचे आप यहाँ देख सकते हो ये ब्लू कलर की लाइट्स लगाई हुई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है हमारे रूम के अंदर, जब सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी उसके बाद सिर्फ ये ब्लू लाइट जलेगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पे भी नीचे स्टोरेज काफी अच्छा है, स्टोरेज की कमी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। कर्टेन्स हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कर्टेन्स मेरे पीछे लगा हुआ है, जो हमारा बेड है बेड के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप देख सकते हो टीवी पैनल हमने आपको लगा के दिया है, वुडन का काम किया गया है, व्हाइट और ब्राउन कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी आप अपना किंग साइज का टीवी लगा सकते हो बहुत ही इजीली, इसके नीचे हमने स्टोरेज भी दिया हुआ है, ये देख सकते हो नीचे हम लोगों ने आपको स्टोरेज दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी आप लोग अपने जो भी शोपीस है वो रख सकते हो, इजीली रख सकते हो, इसके ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे भी आप शोपीस रख सकते हो, छोटी छोटी स्पॉटलाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे आपको दो स्पॉटलाइट्स लगा के दिए जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। इसी के साथ आप देख सकते हो इसी वॉल के ऊपर जो वॉलपेपर लगा हुआ है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, वॉलपेपर बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कितना प्यारा वॉलपेपर बनाया हुआ है, 3D कस्टमाइज वॉलपेपर है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे बेडरूम को, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये वॉलपेपर। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोगों को वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहने वाली, वेंटिलेशन हमारा काफी अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने विंडो लगा के दी है, यहाँ पे विंडो है इसी के ऊपर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना विंडो एसी प्लेस कर सकते हैं, विंडो एसी प्लेस करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने आपको स्पेस दिया हुआ है। और अगर बात करें फॉल सीलिंग की तो आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का यहाँ पे भी बहुत ही यूनिक डिजाइन बनाया हुआ है, हर रूम के अंदर आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का जो डिजाइन है वो बहुत ही यूनिक और काफी अच्छा बनाया हुआ है, इसके अंदर जो लाइट्स लगाई हुई है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, हम लोगों ने फैंस लगाए हैं, फैंस भी काफी यूनिक से लग रहे हैं, काफी अच्छा कलर है फैंस का, ये बहुत अच्छा लग रहा है।
उसी के साथ आइए हम लोग चलते हैं अपने बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम की तरफ। ये देखिए दोस्तों, वॉशरूम के अंदर भी काफी अच्छा स्पेस है। वॉशरूम में आप देख सकते हो वॉल टू वॉल टाइल्स का काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल टू वॉल टाइल्स का काम किया है। ये जो टाइल्स है, ये टाइल्स बहुत अच्छी लग रही है। इसके अंदर काफी क्लासी लुक दे रहा है। ये जो टाइल्स है यहाँ पे स्किन कलर की सी थोड़ी टाइल्स है, जो ये बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया हुआ है टाइल्स का। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर फॉल सीलिंग भी बहुत ही सबसे यूनिक फॉल सीलिंग यहाँ पे दोस्तों लगाया हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में जो ये फॉल सीलिंग लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे यूनिक फॉल सीलिंग है जो इसकी है। अगर बात करें वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए दोस्तों शाफ्ट दिया हुआ है। यहाँ पे वेंटिलेशन की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोगों ने क्वालिटी पे बहुत काम किया है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हमने जो भी प्रोडक्ट यूज किए उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए दोस्तों इनकी क्वालिटी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने जैगुआर के आपको टैप्स लगा के दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसी के साथ ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे हम लोगों ने यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों कॉर्नर पे वॉश बेसिन लगा के दिया है। कई बार होता है कि हम लोग सेंटर में लगा देते हैं जो कि हमारा स्पेस कवर करता है, बट हम लोगों ने यहाँ पे आपको कॉर्नर में वॉश बेसिन लगा के दिया है जिसके अंदर काफी अच्छा स्टोरेज है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे ही स्टोरेज है। कॉर्नर पे हम लोगों ने जो लगा के दिया, इसी के ऊपर मिरर देख सकते हो। मिरर बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी यूनिक सा मिरर है ये। इसके साइड में आप देख सकते हो ये जो कलर है काफी अच्छा लग रहा है मिरर का। इसी के पीछे हम लोगों ने आपको स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्टोरेज है। भाई देखो दोस्तों, स्टोरेज की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। स्टोरेज बहुत है यहाँ पे, वॉशरूम के अंदर भी स्टोरेज बहुत है। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग का काम भी बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ पे आपके पैर स्लिप नहीं होने वाले हैं, यहाँ पे पैर बिल्कुल स्लिप नहीं होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, बहुत ही शानदार फ्लैट था, बहुत ही लग्जरियस फ्लैट था ये। आप लोगों को फील आई होगी कि भाई ये होटल से कम नहीं है ये फ्लैट। बहुत ही अच्छा फ्लैट था, 2 BHK का फ्लैट है विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ। नियर बाय मेट्रो स्टेशन यहाँ से द्वारका मोड़ रहने वाला है। 90 गज में ये बनके तैयार हुआ है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये। तो दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन करना हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, यहाँ पे डिस्प्ले पे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए, जल्दी से विजिट कीजिए। विजिट जरूर कीजिए क्योंकि ये फ्लैट बहुत ही शानदार है। ये फ्लैट कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। तो दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऊपर बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।